तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज है डेली ब्लॉगिंग का 12वां दिन और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तरावी। तो तरावी पढ़ कर आएंगे, फिर जाएंगे जिम, जिम से आके लेके जाएंगे अपनी टीम, क्योंकि आज है हमारा फाइनल। पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारा फाइनल रुक गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो आज वहीं से कंटिन्यू होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते स्टार्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर दें। तो हेलो एवरीवन, वी आर फाइनली बैक विद अनदर ब्लॉग। हम लोग तरावी पढ़ कर आ गए, तो अभी चलते हैं ऊपर, कपड़े चेंज करते हैं और जाते हैं जिम। कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं जिम और वापसी आके देखते हैं मैच का क्या सीन है। हम लोग जिम से आ गए, कोई वीडियो बनाने वाले नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। और मैच हम लोग खेलने नहीं गए क्योंकि वो लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे, उन्होंने एंट्री हाफ हाफ कर दी। तो उन्होंने हमारी एंट्री हाफ हमें वापसी दे दी और हाफ अपने पास रख ली। तो मैच खेलने नहीं गए क्योंकि उनको कहीं और मैच खेलने जाना था, जिनसे टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट करवाते ना कमेटी, उनको कहीं और मैच खेलने जाना था। तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अब है सैरी का टाइम, तो सैरी का दस्तक लग गया, अब सैरी करते हैं। सैरी का दस्तक लग गया है तो सैरी करते हैं। The next day. तो अभी हम लोग छत पे नहीं जा रहे हैं, सर की नमाज पढ़ कर आ गए क्योंकि हमें करना है ब्लॉग एडिट। तो सबसे पहले ब्लॉग एडिट करते हैं फिर चलते हैं छत पे। फरमान ने ये पतंग उड़ा रहा है, फरमान ने पतंग लूटी है ये। ये पतंग देखे उड़ा ली, मैंने बताया। ये देख सकते हैं मैंने पतंग उड़ा ली, अब ये उड़ा रहे पतंग, इसको दिए, ये बोल रहा था उड़ाने दो। और आज मौसम भी बड़ा टायर्ड हो रहा है। لهجارهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى तो अब्दुलरहमान अभी छत पे आया हुआ है, इसका कल एक्सीडेंट हो गया था। अब्दुलरहमान कैसे हुआ एक्सीडेंट आपका?
वह भाई केडिया का यूटर्न है, वहाँ पे हर बाइक हमेशा यूटर्न पे लेटती है थोड़ी सी, तो वहाँ भरा हुआ था ऑयल और मेरी बाइक स्पीड में थी। अब मैंने जैसे ही मुड़ा ना, पिछला व्हील हुआ स्लिप और बाइक रगड़ते हुए गई है पूरी। और लगी कहाँ का है? एक यहाँ लगी है, हाँ बाकी पाँव पे लगी है। अच्छा, तारीख का टाइम हो गया, हमने पतंग कटवा दी है और ये पता नहीं लेके घूम रहा है, सर में दर्द कर दिया इसने। आग वाग पे लग गया ना बेटा, अब ईद खराब हो जाएगी। तो चलते हैं नीचे, नीचे अफ्तार का नाश्ता खाने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट व्लॉग तक बाय बाय।